रुकेंगे ना रुकेंगे। क्या क्या झुकना है, क्या रुकना है भाई? हमको क्या घटा है कि हम क्या घटा है मुझको कि मैं राजनीति करते रहूं? लेकिन अपमानित करके कोई चाहेगा हमारा तो उस अपमान बर्दाश्त नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी से ने आपको टिकट नहीं दिया, अब आप जो है निर्दल चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, आखिर क्या वजह रही कि टिकट नहीं मिला और अब आपका अगला कदम क्या होगा? यह बात आप लोग पत्रकार हैं, पढ़े लिखे आदमी भाई, टिकट हमको नहीं मिला, किसी ने टिकट नहीं दिया तो देने वाला व्यक्ति जो व्यक्तित्व है वो ना बताएगा कि क्यों नहीं दिया। मैं तो अपनी जनता में सेवा किया, मैं प्रसन्न मन से कह सकता हूँ कि 5 साल के भीतर मैं न किसी दिन बढ़िया से सोया हूँ और न किसी दिन बढ़िया से भोजन किया। पारिवारिक जीवन का एक भी छोटा से बड़ा काम कोई नहीं कर पाया और राजनीति मेरे जीवन की तपस्या है, ये श्रृंगार नहीं, मेरी तपस्या है और मैं तपस्या की भांति अपने जीवन को अपनी धारा में सजोया था। मुझे दुख इस बात का जरूर है, यदि शीर्ष नेतृत्व तो मुझे बुला करके कह दिया होता कि ये कारण है और आप अपना कोई उत्तराधिकारी दे दीजिए तो मैं बोल भी देता कि हमारे बाद ये अच्छा लड़का है। मैं शुरू से भी कहता था कि विजय बहादुर सिंह एक पूर्व जिला अध्यक्ष है, बहुत निष्ठावान लड़का है, तो मैं कह भी देता हमारे लिए कोई हमारे लिए शौक नहीं है, ये राजनीति हमारी साधना है, तपस्या है, भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, दुनिया में जो नहीं मिलता है वो हमको भगवान ने दिया है। एक श्रेष्ठ कुल में पैदा हुआ हूँ, श्रेष्ठ संस्कारों से संस्कारित हूँ, RSS के माध्यम से संस्कारित हूँ, अब क्या चाहिए दुनिया। विधायक जनता ने मुझको बनाई दिया था लेकिन टिकट न दे करके हमारा अपमान लोग किए हैं, मेरे साधना का अपमान किए हैं, इसलिए अपमान को मैं चुनौती समझता हूँ और कोशिश करूँगा कि बलिया जनपद में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट भी ना मिले, मेरी पूरी कोशिश होगी। मैं हर क्षेत्र में जाऊँगा, हर क्षेत्र में कोशिश करूँगा और अपने शुभचिंतकों से, बलिया जनपद के समस्त शुभचिंतकों से, हमारे प्रेमी जो भी लोग हैं, समस्त शिक्षक लोगों से, प्राइमरी से लेकर के महाविद्यालय तक के समस्त शिक्षक भाइयों से भी प्रार्थना करता हूँ कि इतना संवेदनहीन और मैं तो कह सकता हूँ कि चिंतनहीन पार्टी को बिल्कुल हराया जाना चाहिए। बलिया की धरती पर एक संदेश जाना चाहिए कि टिकट दिल्ली से नहीं बढ़ता बल्कि जनता के दिल से बढ़ता है। आज बैरिया के जनता ने मुझको प्रमाणित संदेश दे दिया, मैं पूरे दिल्ली को संदेश दे दिया। आज 200,000 लोग सड़कों पर थे और लोगों ने संदेश दे दिया कि दिल्ली वाले भले टिकट सुरेंद्र सिंह को नहीं दिए हैं लेकिन द्वावा का दिल, द्वावा के लाखों लोगों का दिल जो है हमको टिकट दिया है और जनता के उसी दिल के बल पर मैं चुनाव लड़ूंगा और जनता के दिल से ही, मैं आशीर्वाद से ही मैं चुनाव जीतूंगा। और आपको मैं बता रहा हूँ, बैरिया विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का जमानत जब्त होगा और सपा बसपा को तो टक्कर दूंगा ही दूंगा, उसका तो जमानत जब्त करा कर छोड़ूंगा। विधायक जी, जैसे आप पूजनीय योगी जी और मोदी जी का नाम लेते थे, अब क्या, अब कैसा नाम? देखिए, आज भी मैं किसी की शिकायत नहीं करूंगा लेकिन टिकट बंटवारे में यदि उन लोगों ने संवेदनशीलता का परिचय नहीं दिया है इतना ही मैं कह सकता हूँ। मैं आज भी किसी भी नेता का के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि हम टिप्पणी करने वाले स्वभाव के नहीं हैं। यह जरूर मैं कहूंगा कि यह जरूर कुछ ऐसी धारणा है कि पूज्य जोगी जी के निकट रहने वाले, पूज्य जोगी जी के निकट रहने वाले सभी विधायकों को लगभग डिस्टर्ब करने का कोशिश किया गया है। तो अमित शाह जी ऑलरेडी वो देख रहे थे पूरे यूपी के चुनाव को, टिकट कैसे बांटा जा रहा है, क्या किया जा रहा है, किसको देना है, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है ये देखिए, मैं विश्वास के साथ तो नहीं कह सकता लेकिन कल्पना के आधार पर जरूर कर सकता हूँ कि कुछ न कुछ जोगी जी के साथ साजिश हो रही है। जोगी जी के नज़दीक रहने वाले और जो जोगी जी के जो विशेष भक्त लोग थे और सहयोगी लोग थे स्वभाव से, उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश हो रही है। बताइए, मैं तो कहता हूँ कि यदि शीर्ष नेतृत्व में दम हो तो मेरा जो सर्वे रिपोर्ट है जरा समाज के सामने आउट कर दिया जाए। और क्या क्या आधार लेकर के टिकट कटा है जरा हमको भी बता दिए होते लोग, कोई हमको दुख नहीं होता क्योंकि मुझे दुख इस बात का है कि हमारे बैरिया विधानसभा क्षेत्र का ही बलिया विधान लोकसभा का जो सांसद है भ्रष्ट से भ्रष्टतम है। 50 बीघा पशु मेला की जमीन को, 50 बीघा पशु मेला की जमीन को अपने भांजे के नाम से कराने के लिए अभी मुकदमा, मैं स्वयं पार्टी बनकर के उसको बचाने का प्रयास कर रहा हूँ, अभी तक कब्जा नहीं होने दिया और कोशिश करूँगा कि जब तक जिंदगी रहेगी। ठीक है, विधायक रहूँगा तो प्रशासन के बल से रोकता था,
अब नहीं विधायक भी रहूंगा तो अनशन करके, प्रदर्शन करके, धरना करके उस जमीन को उसको कब्जा नहीं होने देगा। भूमाफिया है वीरेंद्र सिंह मस्त जो है, भूमाफिया है। 50 बीघा जमीन, पशु मेला की जमीन, 200 वर्षों से पशु मेला लगता है, सुदेश बाबा पशु मेला लगता है, और उसको कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, बताइए। और उसको मैं रोक देना यदि अपराध है तो ऐसे अपराध को मैं स्वीकार करता हूँ, और इसको यदि हमारा शीर्ष नेतृत्व अपराध मानता है तो मान लेना कि सुदेश बाबा की जमीन को बचाना यदि अपराध है तो सुरेंद्र सिंह अपराधी है, हमको कोई चिंता नहीं। सुदेश बाबा के अस्तित्व को मिटने नहीं दूंगा। ये भूमाफिया वीरेंद्र सिंह मस्त चाहेगा कि सुदेश बाबा की जमीन को हम हड़प लें, तो जब तक सुरेंद्र सिंह जीवित है इस धरती पर तब तक तुम हड़प नहीं पाओगे। और कोशिश करूंगा कि भगवान की सुदेश बाबा की कृपा से, हम तो राजनीति में, तो शिक्षक हूँ, राजनीति में संघ के सहयोग से आ गया था, हमको कोई दुख नहीं है, मैं नहीं भी रहूंगा तू, लेकिन इतना कोशिश करूंगा कि बलिया की धरती पर वीरेंद्र सिंह मस्त कोई भी चुनाव यदि लड़ेगा तो उसका खुला विरोध करूंगा और उसके सामने खड़ा होऊंगा, खुला विरोध करूंगा। आपने कहा कि आप स्वयं सेवक संघ से निकले हुए हैं, तो क्या अब आप स्वयं सेवक संघ में? आज भी संघ का स्वयं सेवक हूँ। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी का वो लाइन मुझे याद है, यदि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यदि गलत टिकट बंटवारे में गलत निर्णय लेता है तो स्वयंसेवक का धर्म है कि बलपूर्वक उसका विरोध करो और गंदे लोगों को राजनीति में बता दे दो। तो क्या आगे भी आप आरएसएस से जुड़े? बिल्कुल, आज भी मैं आरएसएस से जुड़ा हूँ और आरएसएस से जुड़ा रहूंगा, जब तक जीवन रहेगा तब तक संघ का स्वयंसेवक हूँ और बना रहूंगा। बात कहते हैं कि जहाँ सीटें कमजोर रहती हैं, उनके उम्मीदवार कमजोर रहते हैं, जब नेतृत्व वहाँ पर आता है प्रचार करने के लिए तो वो सीटें जो है दमदार हो जाती हैं। तो क्या यहाँ पे मोदी शाह या फिर योगी अगर आते हैं आपके विधानसभा में चुनाव प्रचार करने, तो क्या आपको लगता है कि आपकी मुश्किल? मेरे भाई, ये अमित शाह जी और मोदी जी, योगी जी के बारे में मैं क्या कहूँ, लेकिन द्वाबा की धरती है, यहाँ द्वाबा की धरती पर चरित्र का सम्मान होता है और सुरेंद्र सिंह के चरित्र और ईमान का सम्मान होगा। यहाँ दुनिया का कोई भी व्यक्ति आएगा तो बौना बन के चला जाएगा, कोई भी आएगा तो बौना बन के चला जाएगा।